Realme X7 Pro, Redmi Note 10 5G, Samsung के नए फोन्स POCO M3। जी हाँ, ये कुछ ऐसे फोन हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं फरवरी 2021 के अंदर। और आज इस वीडियो पता लगाने वाले कौन से ऐसे एक्साइटिंग फोन हैं जिनका जो लॉन्च है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो रखा है, और कुछ रूमर्ड फोन्स भी जो आने वाले फरवरी या फिर मार्च में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना और इसे शेयर भी कर देना, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब टू द चैनल। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करें जो सबसे पहला फोन जो लॉन्च होने वाला है फरवरी के मंथ में, वो है रियलमी का X7 Pro। X7 Pro एक ऐसा फोन है इसका इंतजार हम नवंबर से कर रहे हैं, और Realme ने देखा जाए तो आखिरी फोन जो लॉन्च किया था ना वो अक्टूबर में Realme 7 आया था, और उसके बाद से अभी तक एक भी फोन लॉन्च नहीं किया। लग रहा है कि तूफान के पहले से जो शांति होती है वो है यहाँ पे, और Realme का जो X7 Pro है वो एक 5G फोन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और X7 सीरीज की जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 20 से 25,000 रुपए कीमत होगी X7 की, और X7 Pro होगा 25 से 30,000 का, जहाँ पे आपको 30,000 रुपए से कम प्राइस सेगमेंट में एक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ चीजें देखने को मिलेगी, और डायमेंसिटी 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा। काफी कमाल की चीज है, 5G को थोड़े कम प्राइस पॉइंट पे लाने की कोशिश है, और काफी एक्साइटिंग फोन होने वाला है। तो यार ये बात होती है Realme के फोन की। लेकिन इसके बाद जो अगला जो लॉन्च जो कंफर्म हो रखा है वो है POCO M3 का। ये फोन देखा जाए तो जो Redmi 9 पावर है ना काफी हद तक वैसे ही है, लेकिन जो पीछे का डिजाइन है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे जो डिजाइन होता है ये आपको याद दिलाता है 1+80 के साइबरपंक एडिशन की। लेकिन हाँ, फोन थोड़ा सा अलग होने वाला है, स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलेगा, और कुछ चेंजेस के साथ आपको फरवरी के अंदर ही ये फोन देखने को मिलने वाला है ना। काफी कमाल की बात POCO M3 के बारे में। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कुछ इंडियन कंपनीज की, तो इंडियन कंपनी में माइक्रोमैक्स, जिन्होंने नवंबर के महीने में इन नोट 1 इन 1 भी रिलीज किया था, लग रहा है फरवरी के महीने में अपने फोन्स को लॉन्च कर सकते हैं। उस समय लीक निकल के आया था कि फरवरी के महीने में लोग 15,000 रुपए का ऐसा फोन ला सकते हैं जिसके अंदर मीडियाटेक का G90T G95 ऐसा कोई प्रोसेसर लगा होगा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होगा, लिक्विड कूलिंग होगी, 15,000 रुपए कीमत होगी। तो लग रहा है कि वो जो फोन है अभी फरवरी के मंथ में लॉन्च हो सकता है। इसके साथ ही जो लावा है उसने ऑलरेडी अपने Z2 सीरीज, Z4, Z6 और Myzy प्रोग्राम रिलीज किया था, लेकिन फरवरी एंड तक लावा अपने कुछ और मॉडल्स भी ला सकती है। BIS सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं 2-4 हफ्तों के अंदर आपको लावा के कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं आखिर लावा के उन फोन्स के अंदर कहानी क्या रहती है, और देखते हैं माइक्रोमैक्स जो है वो भी क्या नया करके लाती है, क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं माइक्रोमैक्स को और उन्होंने बोला था कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। देखते हैं क्या फरवरी में हम मिलते हैं, और जो इन नोट 1 प्रो जिसकी हम बातें सुन रहे हैं क्या इस टाइप का फोन आपको सच में देखने को मिलता है क्या। और इसी के साथ ही बात करें, काफी अनएक्सपेक्टेड फोन भी रिलीज हो सकता है फरवरी के मंथ में, और वो है Asus का ROG फोन 5। 4 नहीं, 5 के बारे में बात करो, 4 है वो चाइना ताइवान में लकी माना जाता है, वो लोग Asus वाले सीधे 5 नंबर पे आने वाले हैं। और 5 नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 50-60,000 की रेंज में स्नैपड्रैगन 888 के साथ एक प्रॉपर गेमिंग फोन देखने को मिलेगा, जिसके पीछे आपको कुछ LED स्ट्रिप्स, LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, सर्टिफिकेशंस वगैरह में पकड़ा जा चुका है, प्लस इसके कुछ लीक्ड इमेजेस आ चुकी हैं। फरवरी एंड तक ये जो फोन है ना इसका जो लॉन्च है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो की तरफ से कोई फ्लैगशिप फोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बजट वाला फोन नहीं। वेल, बजट वाले फोन तो उनके इतने अच्छे होते भी नहीं है, लेकिन फ्लैगशिप के अंदर फाइंड एक्स 3 सीरीज होगी वो कमाल की हो सकती है, क्योंकि फाइंड एक्स 2 देखा जाए तो एक ऐसा कंपेटिटिव फोन था जो कि एंड्रॉइड की तरफ से एक ऐसा कॉम्पिटिशन निकल गया जो आईफोन से टक्कर ले सकता था। फीचर्स टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा एडवांस होते, काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं, और ग्लोबल लेवल पे इनको पसंद किया जाता है। इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ग्लोबली फाइंड एक्स 3 को रिलीज किया जाएगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ। पीछे का कुछ जो डिजाइन है ना वो आपको शायद आईफोन की याद दिला सकता है, तो हाँ, इस टाइप का ओप्पो का फोन देखने को मिलेगा। सैमसंग के बारे में बात करें, या सैमसंग के मल्टीपल फोन से जो लाइंड अप पड़े पर हैं, A52, A72 को ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक रिलीज हो जाना था, ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लग रहा है कि फरवरी के अंदर होंगे। इसके साथ ही M62, F62, काफी सारे दूसरे फोन भी जिनका लॉन्च होना बाकी, इवन M12। मतलब आप समझ के रखिए, 4-5 फोन सैमसंग के 10,000 से लेकर 25-30,000 की रेंज में लॉन्च हो सकते हैं, ए सीरीज, एम सीरीज में, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हाँ, लॉन्चिंग आप समझ सकते हैं फरवरी के मंथ के अंदर। कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं बात करें मोटरोला की, तो मोटरोला की मोटो जी सीरीज के अंदर, यानी कि जी प्ले वगैरह या फिर अलग अलग चीज़ें, वो आपको देखने को मिलेंगे 2-3 फोन, यानी कि 10,000 से लेकर 20,000 और 25,000 की कैटेगरी में मोटो जी सीरीज के फोन, जो कि काफ़ी सही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें रेडमी के फोन के बारे में, तो जी हाँ, रेडमी
Redmi Note 10 Series। सुनने में आया जो फोन है अभी तक सिर्फ रूमर था, लीक ही हुआ था, इसके बारे में पता नहीं ये होगा कि लॉन्च, लेकिन लग रहा है कि फरवरी एंड तक इसके बहुत ज्यादा चांस कि Redmi Note 10 आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max है ना, ये अराउंड मार्च के मंथ में आए थे। लग रहा है कि फरवरी या मार्च तक आपको Redmi Note 10 Series के भी दर्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही Realme के भी बारे में भरोसा नहीं है, हो सकता है कि Realme X7 Series तो लॉन्च कर दी, लेकिन Realme 8 Series भी मार्च या उससे पहले भी अनाउंस की जा सकती है, कुछ इस टाइप की बातें चल सकती है। और तो और बातें यहाँ पे खत्म नहीं जाती। अगर हम बात करें OnePlus की, OnePlus के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है कि फरवरी के मंथ में ये लोग कुछ भी लॉन्च नहीं करने वाले, लेकिन हाँ OnePlus 9 Series, 9e, 9 और 9 Pro, ये जो कुछ फोन्स है विद अदर एक्सेसरीज जैसे OnePlus Watch, ये सारे जो फोन है ये सब मार्च के महीने में रिलीज होंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मेरे पास, वो ये कहती है कि आने वाले समय जो Mi 11 सीरीज है इसका भी जो लॉन्च है वो फरवरी के अंदर होगा, लेकिन मार्च तक ये जो Mi 11 सीरीज है ना वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। तो यार ये पीछे की कहानी हो जाती है। तो देखा जाए जितनी भी लगभग सारी पॉपुलर कंपनीज है, इनके जो बड़े लॉन्चेज है सबके हिसाब हमने कवर कर लिए हैं, ये कुछ फोन आपको देखने को मिलेंगे। और 80-90% जो फोन है ना वो बिल्कुल ही सही होते हैं और यहाँ पे आपको उनका जो लॉन्चेज है वो देखने को मिलेंगे। तो वेल, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर लेना, दोस्तों शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।